आधे एमपी में सोमवार से अगले तीन दिन तक बारिश ओले का स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहेगा। सोमवार को नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी में ऑरेंज अलर्ट, जबकि जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नरसिंहपुर समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चल सकती है। तीन दिन तक प्रदेश की ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी और ओले गिरेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा, हफ्ते भर में मध्य प्रदेश के 50% उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। वहीं कमलनाथ ने कहा, कुछ दिन में लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी, अप्रैल के तीसरे हफ्ते में चुनाव हो सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी में जो लोग हैं फौरन फैसला कर ले। ग्वालियर के जयर रोग हॉस्पिटल कैंपस में रविवार रात शराब पी रहे बाहरी युवकों ने मेडिकल छात्राओं से छेड़खानी की और साथ ही जूनियर डॉक्टरों से मारपीट कर दी, फिर कैंपस के मिल्क पार्लर और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर भाग गए। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ितों के आह्वान पर आज हरदा के बाजार बंद है। मृतकों के परिजन और पीड़ित परिवार तीन दिन से धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे परिवार को ना जाने किसकी नजर लगी, जो हम अपना घर परिवार छोड़कर सड़क पर हड़ताल करने को मजबूर हैं। हम बिखर चुके हैं, जीवन भर की पूंजी खत्म हो गई। प्रशासन ने हमें 125,000 रुपए दिए हैं, इतने से पैसे में हम दोबारा अपना घर कैसे बनाएं? हमें उचित मुआवजा दें और दोषी अफसरों पर केस करें।